जीतू बोले, शिवराज से बदला ले रहे सीएम डॉक्टर मोहन। पटवारी ने अधिकारियों के तबादलों पर कहा, चौहान के अफसरों को हटा रहे। नमस्कार, मैं श्वेता आपका द खबरदार न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मध्य प्रदेश में हो रही प्रशासनिक सर्जरी को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बदला ले रहे हैं। सीएम उन सभी अफसरों को हटा रहे हैं जिन्हें शिवराज ने पदस्थ किया था। ये भाजपा की अंदरूनी राजनीति का असर है। जीतू पटवारी ने कहा कि नया मुख्यमंत्री आता है, अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था करता है, लेकिन यहाँ तो भावना सीधी दिख रही है। इधर शिवराज समय समय पर अपना रिएक्शन देते रहते हैं। चुनाव तो उनके चेहरे पर जीता था, चेहरा उनका बताया जा रहा था, और शादी आदरणीय मोहन यादव की कर दी। अब वो तबादले करें, अधिकारियों को हटाएं, पर गीता और रामायण के साथ घोषणा पत्र भी पूरा करें। ये दायित्व जनता ने हमें दिया है, इसे पूरा करवाएंगे। जीतू पटवारी शुक्रवार को सतना पहुंचे। यहां उन्होंने बीटीआई मैदान में बसपा नेता रहे पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती पर आयोजित सभा को संबोधित किया। इसके बाद रात में मीडिया से बातचीत की। प्रदेश में एक दिन में बदले गए 7 आईएएस अफसर। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 7 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। भोपाल और इंदौर के कलेक्टर बदल गए। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को इंदौर कलेक्टर बनाया गया, जबकि पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक संचालक कौशलेंद्र विक्रम सिंह को भोपाल कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। 8 जिलों का दौरा, 5 के कलेक्टर बदले। डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने अब तक 8 जिलों का दौरा किया। 5 जिलों के कलेक्टर उनके दौरे के बाद हटाए गए। वे 3 बार उज्जैन और 3 बार इंदौर जा चुके हैं। इसके अलावा गुना, खंडवा, खरगोन, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में उनका दौरा हुआ है। सीएम यादव के दौरे के बाद ग्वालियर, खंडवा, खरगोन को छोड़कर बाकी 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। शाजापुर कलेक्टर को ड्राइवर की हड़ताल के दौरान उनके औकात वाले बयान से नाराज होकर हटाया गया। इसके अलावा शुक्रवार को राज्य शासन में रीवा, सागर, भोपाल, शिवपुरी और अपर कलेक्टर समेत राज्य प्रशासनिक सेवा को 17 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। नेता प्रतिपक्ष ने लाडली बहना योजना को लेकर आशंका जताई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लाडली बहना योजना में छटनी की आशंका जताई है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मोहन सरकार कुछ बदलाव करने वाली है, शुरू हो गई है पात्र और अपात्र की छटनी। महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने अजीब सा आदेश निकाला है। इस आदेश में जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है। पिछले 4-5 महीनों से जिस सूची के आधार पर लाडली बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही है, क्या वो पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं है? इस आदेश की भाषा संदेह उत्पन्न करती है कि मोहन सरकार इस योजना में कुछ खुरपेच करने वाली है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।